स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। तारीख थी 2 जनवरी और दिन था शुक्रवार। जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कने। ये साल 1903 की बात है। 119 साल बाद यानी अप्रैल 2022 में कने तनाका की मौत हुई। वो आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे उम्रदराज शख्स थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल नर्सिंग होम में बिताए। वो सुबह 6 बजे उठती, गणित के सवाल हल करती, बोर्ड गेम्स खेलती, चॉकलेट खाती, कॉफी और सोडा पीती। एक वक्त ऐसा भी था जब बुजुर्ग भले ही 100 साल तक जीने का आशीर्वाद देते हों, लेकिन ऐसे ख्याल का सच होना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि 100 साल तक जीने का नुस्खा क्या है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, दूसरी जिंदगी। Now it is not unusual to live 100 years. नहीं, 100 साल तक जीने में अब कुछ असामान्य नहीं है। हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर हिरोको अकियामा की विशेषज्ञता स्टडी ऑफ एजिंग में है। वो साइंस काउंसिल ऑफ जापान की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो बताती हैं कि जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। जापान में अब महिलाओं की औसत आयु 88 और पुरुषों की औसत आयु 82 साल है। जापान की कुल आबादी के 29% लोगों की उम्र 65 या उससे कहीं ज्यादा है। औसत आयु के हिसाब से हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन ही जापान के करीब आते हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते साल देश के 86,510 नागरिकों की उम्र 100 साल या उससे ज्यादा थी। A combination of several factors contribute to the longevity in Japan. जापान में लोगों के लंबे जीवन के कई कारण हैं। उनमें से एक है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। हमने 1960 के दशक में इसकी शुरुआत कर दी थी। यहाँ लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। दूसरा कारण ये है कि जापान के लोग स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी होती है। जापान के लोग खूब मेहनत करते हैं। वो कैंसर और दिल की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतते हैं। डॉक्टर हिरोको बताती हैं कि जापान के लोग खानपान पर ध्यान देते हैं, फैट का सेवन कम करते हैं, मछलियां, सब्जियां और ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के साथ ये समझ भी विकसित हुई कि उम्रदराज लोगों की जरूरतें भी अलग तरह की हैं। डॉक्टर हिरोको बताती हैं कि सरकार का प्रमुख रूप से ध्यान हेल्थ केयर सिस्टम और पेंशन सिस्टम पर है। हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन समाज के आधारभूत ढांचे को फिर से तैयार करने की जरूरत है। डॉक्टर हिरोको ने अपनी टीम के साथ कई सामाजिक प्रयोग किए ताकि ऐसे तरीके तलाशे जा सके जिससे ज्यादा उम्र के लोग बिना किसी पर निर्भर हुए रह सके। हम समुदायों की नए सिरे से संरचना करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उम्रदराज समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हम ऐसा समुदाय बनाना चाहते हैं जहां लोग 100 साल की उम्र तक स्वस्थ, सक्रिय और एक दूसरे से जुड़े रहें और खुद को सुरक्षित महसूस करें। हम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जापान में रिटायर होने के बाद लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। वो अपना दूसरा करियर या कहें तो दूसरा जीवन शुरू कर रहे हैं। इससे रूटीन बना रहता है और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। डॉक्टर हिरोको अकियामा 78 साल की हैं और अपने दूसरे करियर में अच्छा कर रही हैं। मैं लंबे समय तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। जब मेरी उम्र 70 साल हुई तो मैंने खेती शुरू की। मेरे समेत 4 लोग जिनके पास अलग अलग तरह की खूबियां हैं, हमने मिलकर एक कंपनी बनाई और खेती शुरू की। जब मैं छोटी थी तब मैं किसान बनना चाहती थी। ये एक पुराना सपना था। पार्ट 2, बुढ़ापा क्या है।
Aging is a very individualistic process. बुढ़ापा एक नितांत निजी प्रक्रिया है. किन्हीं भी दो लोगों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एक सी नहीं होती है. ये है हमारी दूसरी एक्सपर्ट कैथी स्लैक. वो बर्मिंघम के एस्टन रिसर्च सेंटर फॉर हेल्दी एजिंग में सीनियर लेक्चरर हैं. हम बूढ़े क्यों होते हैं और क्या इस जैविक प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है? कैथी की लैब में इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है. बुढ़ापे के बाहरी संकेत सब जानते हैं, मसलन झुर्रियां पड़ना, बालों का सफेद होना, लेकिन हमारे जिस्म के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा होता है. कैथी बताती हैं कि उम्र बढ़ने का असर शरीर के सभी ऊतकों पर पड़ता है. इसका असर दिमाग से लेकर प्रजनन क्षमता तक होता है. इन बदलावों को बूढ़े होने के हॉलमार्क यानी प्रमाणिक चिन्ह कहा जाता है. इसमें कोशिकाओं से जुड़ी कई प्रक्रियाएं शामिल की जा सकती हैं. कोशिका के अंदर प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल में कमी आना, माइटोकॉन्ड्रिया का निष्क्रिय होना. माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वो हिस्सा है जो ऊर्जा का निर्माण करती है. उम्र बढ़ने के साथ ये काम करना बंद कर सकती है. कैथी बताती है कि जब उम्र बढ़ने लगती है तब डायबिटीज जैसी स्थायी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है. पोषक तत्वों की आपूर्ति को रेगुलेट करना कोशिकाओं के काम करने के लिए जरूरी है. दिक्कत आने पर स्टेम सेल यानी मूल कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं. स्टेम सेल कोशिकाओं की मरम्मत करती है. बदलाव दिमाग में भी आते हैं. कुछ लोगों की जब उम्र बढ़ती है तो उनके दिमाग का आकार छोटा हो जाता है. इसकी वजह से कई बुजुर्गों की याददाश्त कमजोर हो जाती है. उन्हें एक साथ कई सारे काम करने में दिक्कत आती है. उनके बर्ताव में भी बदलाव आते हैं. वो या तो ज्यादा व्यग्र हो जाते हैं या फिर अवसाद में चले जाते हैं. लेकिन अहम बात ये है कि हर बुजुर्ग में ये सारी बातें एक सी नहीं होती हैं. 100 साल तक जीने की अपनी उम्मीदों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कैथी इस सवाल का भी जवाब देती हैं। आज भी कई लोग हैं जिनकी काफी उम्र है लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता. यही वो पहलू है जिस पर काम करने की जरूरत है. ये एक पुरातन पंथी सलाह लग सकती है लेकिन हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करनी चाहिए. सक्रिय बने रहने की कोशिश कीजिए. बुढ़ापे को लेकर अभी भी कई सारी बातें हैं जो हम नहीं जानते. कैथी स्लैक कहती है कि ऐतिहासिक तौर पर हमने ज्यादा फोकस बीमारी की प्रक्रिया पर दिया है. कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कैंसर और दूसरी बीमारियों पर काम कर रहे हैं लेकिन अब उनके जैसे लोगों का भी एक समूह है जो रोगों को उम्र से जुड़ी बीमारियों के तौर पर देख रहा है. इस तरह कई बीमारियों के उपचार के नए तरीके विकसित किए जा सकते हैं. पार्ट 3, दिलचस्प प्रयोग. Daily in my lab, we can show that there are interventions. मेरी प्रयोगशाला में हम दिखाते हैं कि प्रयास करते हुए शरीर के बूढ़े होने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है. कुछ मामलों में इसे रोका और इसकी चाल को पलटा भी जा सकता है. ये करना मुमकिन है. हमारे तीसरे एक्सपर्ट डॉक्टर नीर बार जिलाई न्यूयॉर्क सिटी स्थित अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट फॉर एजिंग रिसर्च में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नीर बारजिलाई अपने रिसर्च के बारे में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग 100 साल या उससे लंबी जिंदगी जिएं। इसके लिए वो तरीके तलाश रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं. 100 साल की उम्र पूरी कर चुके 750 लोगों और उनके परिवारों से भी वो मदद ले रहे हैं. वो ऐसे जीन्स की तलाश में है जिनके जरिए बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है. उनकी टीम बुढ़ापे से जुड़ी 3 संभावनाओं पर काम कर रही है. इनमें से पहली का मकसद है प्रक्रिया को धीमा करना. इसे काल्पनिक चरित्र डोरियन ग्रे का नाम दिया गया है, जिन पर उम्र का असर नहीं होता बल्कि ये असर उनकी छुपी हुई पेंटिंग पर दिखाई देता है. The second scenario is what we call the Wolverine or the... दूसरी स्थिति को हम फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं. इसमें सभी लोगों को युवा बनाने की बात होती है. इसे संभव कर दिखाना सबसे मुश्किल है. तीसरी स्थिति सबसे ज्यादा रोमांचक है. इसे नाम दिया गया है पीटर पेन. इस काल्पनिक चरित्र की उम्र नहीं बढ़ती है. विचार यह है कि इसके लिए 20 या 30 साल की उम्र के लोगों को लिया जाए, उन्हें हर कुछ महीने पर या साल में एक बार उपचार दिया जाए और उन पर उम्र बढ़ने से होने वाले असर को रोका जाए या फिर उसकी रफ्तार बहुत धीमी कर दी जाए.
बायोमार्कर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं जो अंदर की बीमारियों को लेकर संकेत देते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी को लेकर संकेत देता है। लेकिन बुढ़ापे की पहचान के लिए ऐसे मार्कर्स तलाशना आसान नहीं है। हमें बहुत सारे बायोमार्कर्स की जरूरत है। हमें ऐसे बायोमार्कर्स की तलाश है जो दो जानकारी दे सकें। पहली ये कि वास्तविक उम्र और बायोलॉजिकल यानी जैविक उम्र के बीच वो अंतर बता सके। आप जानते हैं कि कुछ लोग अपनी उम्र से कम तो कुछ ज्यादा नजर आते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये चाहते हैं कि उम्र बढ़ने की रफ्तार कम करने के लिए हम जो दवा बना रहे हैं, जब उनका इस्तेमाल हो तब बायोमार्कर्स में बदलाव दिखाई दे। बुढ़ापे पर रोक लगाने के मकसद से तैयार की जा रही कुछ दवाओं को रेगुलेटर से मंजूरी मिल चुकी है और उन्हें तैयार भी किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल दूसरी स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद जिस्म अंग को खारिज न कर दे, इसके लिए ये दवाएं दी जाती हैं। क्या आपको उम्मीद है कि आपके जीते जी इस दिशा में कोई बड़ी कामयाबी हासिल होगी? इस सवाल पर वो कहते हैं, हाँ यकीनन, हम दो साल में क्या कर सकते हैं इसे लेकर हम बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाते हैं, लेकिन हम 5 या 10 साल में क्या कर सकते हैं इसे लेकर कम अनुमान लगाते हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जबरदस्त लहर दिख रही है। नीर कहते हैं कि दुनिया भर के अमीर लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं और आगे इसकी रफ्तार बढ़ेगी। पार्ट 4, उम्र बढ़ाते हैं दोस्त। जो लोग दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़े होते हैं और गर्मजोशी भरे रिश्ते रखते हैं, वो बेहतर रिश्ते न रखने वाले लोगों की तुलना में लंबी जिंदगी जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हमारे चौथे एक्सपर्ट रॉबर्ट वेल्डिंगर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर हैं। वो हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। We are in our 84th year. This is, as far as we know, ये हमारे अध्ययन का 84वां साल है। हमारी जानकारी के मुताबिक लोगों के एक ही समूह पर ये सबसे लंबा अध्ययन है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो किशोर थे। ये उनके बुजुर्ग होने तक जारी है। अब हमने उनके बच्चों पर अध्ययन शुरू कर दिया है। हमने ये जानने की कोशिश की कि इंसानी जीवन में क्या गलत हुआ और इससे सही ट्रैक पर चल रही जिंदगी को लेकर अध्ययन में भी मदद मिलेगी। इस अध्ययन की शुरुआत 1938 में हुई। रॉबर्ट बताते हैं कि शुरुआत में 724 प्रतिभागी थे, उनमें से ज्यादातर की मौत हो चुकी है, लेकिन 90 और 100 साल से ज्यादा उम्र के कुछ लोग जिंदा हैं। इस अध्ययन से कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे हम परिचित हैं। ये हैं पौष्टिक आहार लेना और लाइफ स्टाइल से जुड़ी आदतें जो लंबी उम्र जीने में मददगार हैं। रॉबर्ट के मुताबिक इस अध्ययन से पता चला कि दूसरे लोगों से ज्यादा रिश्ते रखने, अपने आसपास के लोगों से ज्यादा जुड़े रहने और गर्मजोशी दिखाने से लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिली। इसे लेकर अब बहुत शोध हो चुका है। इस मामले में सबसे अच्छी परिकल्पना का संबंध तनाव और तनाव पर काबू पाने को लेकर है। मान लीजिए अगर दिन में ऐसा कुछ हुआ जिसने आपको परेशान कर दिया या फिर आपके किसी से बहस हो गई, तो आप अपने शरीर में जकड़न सी महसूस करेंगे। आप घर आते हैं और अगर आपके पास ऐसा कोई भरोसेमंद व्यक्ति है जो आपकी बात सुने, तो आपको महसूस होगा कि आपकी थकान उतर गई है। हम ये मानते हैं कि जो लोग अकेले हैं उनका गुस्सा कभी पूरी तरह उतरता ही नहीं है, उनके शरीर में हमेशा एक हल्का सा तनाव होता है। लंबे जीवन के लिए रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन कुछ लोगों को अकेलापन ही रास आता है। ये एक अहम पॉइंट है। हम में से कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं और ये कोई समस्या नहीं है। उन्हें सिर्फ एक या दो करीबी लोगों की जरूरत होती है, उनके लिए यही काफी होता है। स्वस्थ जीवन के लिए आपके कितने रिश्ते होने चाहिए, इस मामले में सब पर एक ही फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, पालतू जानवर भी हमें खुशी दे सकते हैं और हमारा तनाव कम कर सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने उन लोगों पर भी अध्ययन किया है जिनकी उम्र 70 या 80 साल से ज्यादा है और उन्होंने जीवन में पहली बार रिश्ते बनाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को पहली बार प्यार हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि कभी भी बहुत देर नहीं होती है। लौटते हैं उसी सवाल पर कि 100 साल तक जीने का नुस्खा क्या है।
गारंटी के साथ ऐसा कोई नुस्खा नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा चीजें करते हैं तो इससे मदद मिल सकती है। खान पान को सही रखें, शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें, कोई दोस्त या पालतू जानवर तलाशिए जिससे आप बात कर पाए। अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां बुजुर्गों की तादाद युवाओं से ज्यादा है, तो वहां शायद ऐसे बदलाव हो रहे हों जहां आपके जीवन की सांझ जोश भरी और आरामदेह हो। बुढ़ापा आने की रफ्तार धीमी करने या फिर पूरी प्रक्रिया को उल्टा करने का फॉर्मूला अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसा होता है तब तक रॉबर्ट की ये सलाह आपके काम आ सकती है कि अपने शरीर का इस तरीके से ख्याल रखें कि आपको 100 साल तक इसकी जरूरत पड़ सकती है।